सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं शमुषी संस्कृत का अष्टम पाठ यानी कि आठवां लेसन, जिसका नाम है प्रश्न त्रयम यानी कि तीन प्रश्न, और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अथ परे द्युः राज्ञो राजधानीं प्रति प्रस्थानोत्सुकस्य पुरतः कश्चित् शस्त्राहतः श्रमक्लान्तः पुरुषः आश्रमागतः। अथ परे द्युः, इसका अर्थ है अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अथ यानी कि इसके बाद, परे द्युः यानी कि दूसरे दिन, यानी कि इसके बाद दूसरे दिन राज्ञो यानी कि राजा राजधानी की ओर, राजधानीं प्रति यानी कि राजधानी की ओर, प्रस्थानत् सुकस्य यानी कि प्रस्थान के लिए उत्सुक, पुरतः यानी कि होने पर, कश्चित यानी कि कोई, पुरतः यानी कि सामने, यानी कि सामने कोई, शस्त्राहत यानी कि शस्त्र से आहत यानी कि घायल, श्रम क्लांत यानी कि परिश्रम से थका हुआ, क्लांत यानी कि थकना थका हुआ, तो परिश्रम से थका हुआ पुरुष या व्यक्ति आश्रम में आया, आश्रमम प्लस आगत यानी कि आश्रम में आया। तस्य कष्टम विलोक्य दयार्द्रौ मुनिर यथा साध्यम तस्योपचारे प्रवृत्तः। तस्य यानी कि उसकी कष्ट को देखकर, विलोक्य यानी कि देखकर, दया आद्रो दया से द्रवित होकर, मुनिर यथा साध्यम, मुनि ही प्लस यथा प्लस साध्यम, मुनि ने यथा संभव रूप से तस्योपचारे, तस्य प्लस उपचारे, उसके उपचार में प्रवृत्तः यानी कि लग गया। राजा भी तादृशस्य आतुरस्य दशया विकल इव मुनिस्तस्मिन् कार्ये तदादेशेन सहायतां चकार। राजा भी यानी कि राजा भी तादृशस्य यानी कि उस तरह से, आतुरस्य यानी कि पीड़ित की, दशया यानी कि दशा से विकल व्याकुल हुए, इव यानी कि मुनेः प्लस तस्मिन् कार्ये, मुनि की तस्मिन् यानी कि उस कार्य में, उस काम में, तदादेशेन तत् प्लस आदेशेन, तत् यानी कि उनके आदेश से, सहायतां जगारा यानी कि सहायता की, कतिपयैरेव दिवसैरागन्तुको मुनेः राज्ञश्चोपचारेण स्वस्थौ जातः। कतिपय प्लस एव, कतिपय यानी कि कुछ ही, दिवसैः यानी कि दिनों में, आगंतुको यानी कि आगंतुक, मुनेः राज्ञश्चोपचारेण स्वस्थौ जातः, मुनि और च यानी कि और, राजा के उपचारण यानी कि उपचार से वह आगंतुक, आगंतुक यानी कि अतिथि स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो जाता है यानी कि स्वस्थ हो गया। स च राजान राजानम उवाच, और उसने राजा से कहा, मया केनापि कारणेन क्रोधान वृष्टे राजैव हन्त्यव्य आसीत् किन्तु मद्विचारस्य प्रकाशनात् राज पुरुषाः माम भृशमटात् दयन बंदीकृत बंतश्च। मया यानी कि मेरे द्वारा किसी कारण से क्रोधाविष्टिन यानी कि क्रोध के आवेश में राजैव यानी कि राज पुरुषों ने या राजा को ही, देखिए राजैव अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो राजा प्लस एव यानी कि राजा ने ही या राजा को ही, हन्त्यव्य आसीत् यानी कि मारने वाला था, यानी कि किसी कारण से क्रोध के आवेश में राजा को ही मारने वाला था, किंतु लेकिन मत विचारस्य, इसका संधि विच्छेद है मत विचारस्य यानी कि मत प्लस विचारस्य, मत यानी कि मेरे और विचारस्य यानी कि विचार के, प्रकाशनाद यानी कि प्रकाश हो जाने से, राजपुरुषः यानी कि राजपुरुषों ने, माम यानी कि मुझे, भ्रीषम ताड़यन, भ्रीषम यानी कि बहुत, और ताड़यन यानी कि पीटा, बंदी कृतवंतश्च च यानी कि और, बंदी कृतवंत है और मुझे बंदी बना लिया, यथा कथमपि अत्र निरापदमाश्रम मागत यस्मि पलायमानो बंधनात्। यथा कथमपि यानी कि जैसे तैसे, यहाँ यानी कि अत्र यानी कि यहाँ होता है, निरापदाश्रम यानी कि विपत्ति रहित होकर, आश्रमम आगतो यस्मि, इस आश्रम में आगतो यस्मि यानी कि आ गया हूँ, पलायमानो बंधनात् यानी कि बंधन से, बंधनात् यानी कि बंधन से या बंदी गृह से, पलायमानो यानी कि दौड़ता हुआ, जैसे तैसे यहाँ इस आश्रम में विपत्ति रहित होकर इस आश्रम में आ गया हूँ, अधुना भवतो व्यवहारेण कोपो मे गलितः। अधुना यानी कि अब, भवतो यानी कि आपके व्यवहारेण यानी कि व्यवहार से, कोपो मे गलितः यानी कि मेरा क्रोध गलितः यानी कि नष्ट हो गया है, क्षन्तव्यो अयम् वराकोचनः।
अयम यानी कि इस यानी कि इस विवश जन को क्षमा कर दीजिए। आज्ञा प्रयतु महाराजा, आज्ञा दीजिए महाराज। अथ राजानम मुनिरु वाचा। इसके बाद राजा ने मुनि से कहा, मन्नी भवती भवतीयस्य प्रश्नत्रयस्य समाधानमस्य जनस्य परिवर्तित मानस्य सस्य सेवयैव जातम्। मन्नी यानी कि मैं जानता हूं कि भवतीयस्य यानी कि आपके प्रश्नत्रयस्य यानी कि तीनों प्रश्नों का समाधान यानी कि समाधान इस व्यक्ति के जनस्य यानी कि अस्य जनस्य यानी कि इस व्यक्ति के परिवर्तित मन के बदलने से और सेवयैव यानी कि सेवा से ही जातम यानी कि हो गया है। मुनि ही पुनरपि विशदीर कुर्बन्न कथयत। मुनि ने फिर भी पुनरपि यानी कि फिर भी विशदी कुर्बन यानी कि विस्तार करते हुए कथयत यानी कि कहा, अयमेव श्रेष्ठः समयः। अयमेव यानी कि अयम प्लस एव यानी कि यही श्रेष्ठ समय है। यत्र मानवः परोपकारे कस्मिन्नपि कर्मणि वा व्यापृतः। यत्र यानी कि जहाँ मानव परोपकार में या कस्मिन्नपि यानी कि किसी कर्म में व्यापृतः यानी कि लगा हुआ है वा यानी कि या यानी कि किसी परोपकार में या किसी काम में या कर्म में लगा हुआ है। समक्षम वर्तमानः पुरुषः एव श्रेष्ठः कस्यापि सहायतां कामयमानः। कस्यापि सहायतां कामयमानः यानी कि किसी की भी सहायता की कामना करता हुआ। समक्षम यानी कि सामने स्थित, समक्षम वर्तमान यानी कि सामने स्थित पुरुषः एव श्रेष्ठः, पुरुष ही श्रेष्ठ है। सेवैव श्रेष्ठं कर्म येन हृदय परिवर्तनमपि जायते। सेवैव यानी कि सेवा से ही, सेवा प्लस एव सेवा से ही श्रेष्ठ कर्म यानी कि सेवा ही श्रेष्ठ कर्म है। येन यानी कि जिससे हृदय परिवर्तनमपि यानी कि हृदय परिवर्तन भी जायते यानी कि हो जाता है। राजा मुनिरुत्तर प्रदान पद्धत्या प्रमुदिता भूत्वा स्वनगरं गतः। राजा मुनिरुत्तर यानी कि मुनि के द्वारा उत्तर देने की प्रदानम यानी कि देने की पद्धत्या यानी कि पद्धति से या रीति से देने के तरीके से प्रमुदिता यानी कि प्रसन्न होकर भूत्वा यानी कि होकर प्रमुदिता यानी कि प्रसन्न भूत्वा यानी कि होकर स्वनगरम यानी कि अपने नगर या राजधानी को गतः यानी कि चले गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, दूसरा पार्ट यहाँ पर। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।